नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सर्दियों में अक्सर ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाना फायदेमंद होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सर्कुलेशन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि प्रति सप्ताह नट्स के 5 सर्विंग्स खाने से टाइप 2 डायबिटीज वाले रोगियों में हार्ट डिजीज का खतरा 17% कम हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक टाइप 2 मधुमेह वाले लोग जो नियमित रूप से नट्स का सेवन करते हैं, उनमें हृदय रोग से मौत का खतरा 34% तक कम हो जाता है। वहीं ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं किन ड्राई फ्रूट्स के खाने से डायबिटीज के रोगियों को फायदा होता है। मूंगफली। मूंगफली में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स और अल्फा लिपोइक एसिड मौजूद होते हैं। साथ ही ये सभी तत्व डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI कम होता है। मूंगफली में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पचाने में आसान होते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सक्षम होते हैं। अखरोट। 2014 में एक अध्ययन हुआ था। इस अध्ययन के अनुसार अखरोट खाना डायबिटीज से पीड़ित रोगों के लिए लाभकारी साबित होता है। इसमें फाइबर पाया जाता है। बता दें कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करने से शरीर की पाचन प्रणाली चुस्त दुरुस्त रहती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों का पाचन ठीक रहता है। काजू। काजू में पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी हैं। साथ ही इस ड्राई फ्रूट में कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर अधिक पाया जाता है। ऐसे में इसे खाने से वजन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा लोगों के मस्तिष्क से स्ट्रेस कम करने में भी काजू मददगार है। बता दें कि डायबिटीज अनियंत्रित होने के कारणों में से एक तनाव भी होता है, इसलिए काजू का सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बादाम। बादाम डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। सीमित मात्रा में नियमित रूप से बादाम खाने से ब्लड शुगर का स्तर शरीर में ठीक बना रहता है। बादाम डायबिटीज के लिए भी इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है जो कि मधुमेह बीमारी के लक्षणों को कम करता है। हालांकि हम आपको यह भी सलाह देंगे कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इस वीडियो में बताए गए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से पहले एक बार इस संबंध में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। किसको कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना है और कितना खाना है यह बात डॉक्टर ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।